नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और इस बार हम कक्षा दसवीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से एक नई कहानी ले रहे हैं। कहानी का शीर्षक है नेताजी का चश्मा और उसके रचनाकार हैं आधुनिक कहानी के महत्वपूर्ण कथाकार स्वयं प्रकाश। तो चलिए हम आपको आज सबसे पहले इस कहानी का सार सुनाएंगे। शुरू करते हैं नेताजी का चश्मा कहानी का सार। इस कहानी में लेखक यह बताते हैं कि इसमें एक चरित्र है जिनका नाम है हालदार साहब। वे एक कंपनी में नौकरी करते हैं और कंपनी के काम से अक्सर उन्हें दौरे पर रहना पड़ता है। जब वो दौरे पर जाते हैं तो एक छोटे से कस्बे से होकर के उनको अक्सर गुजरना पड़ता है। वह कस्बा छोटा सा है, कुछ थोड़े से पक्के मकान हैं, बाजार है, लड़कों का एक स्कूल है और लड़कियों का भी एक अलग स्कूल है। चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगी है, लेकिन प्रतिमा में जो चश्मा है वो असली है। जो हम लोग लगाते हैं बाजार में जो बिकता है वो चश्मा है। मूर्ति संगमरमर की है पर चश्मा संगमरमर का नहीं है। हालदार साहब जब वहां से गुजरते तो उस मूर्ति को अवश्य देखते और वो ये पाते कि उसका चश्मा जो पहले चौकोर आकार वाला था वह दूसरी बार उन्होंने देखा कि गोल हो गया है, पतले तार का है। कभी उसका रंग काला होता, कभी उसका रंग लाल, कभी उसका रंग पीला। उन्हें इस बात पर बड़ा अचरज होता कि नेताजी का चश्मा बार बार बदलता क्यों रहता है। तब उन्होंने उसी चौराहे पर पान की एक दुकान पर पान खाते हुए पान वाले से अपनी जिज्ञासा का सवाल किया। पान वाले ने बहुत ही उपहास के साथ खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि अरे साहब, हमारे यहाँ एक लंगड़ा और पागल फौजी है, कैप्टन चश्मे वाला उसका नाम है। वह चश्मों को बांस की एक लाठी पर खीले ठोंक कर उसमें लटका करके फेरी लगाता है और बेचता है। वही चश्मा जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर पहनाया करता है। किस्सा ये है कि उसी कस्बे के एक अध्यापक महोदय ने अपनी ओर से अपने पैसे खर्च करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक छोटी सी प्रतिमा बनवा दी थी, लेकिन प्रतिमा में संगमरमर का चश्मा बनाया जाना रह गया था, भूल हो गई थी। अब वो अध्यापक महोदय से हुई या मूर्तिकार से ये किसी को पता नहीं। परंतु जो कैप्टन चश्मे वाला था वो फौज में रह चुका था, एक फौजी था और सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज बनाई थी, इसलिए वह उनके साथ अपना एक रिश्ता मानकर चलता था। तो वह नेताजी को बिना चश्मे के देख नहीं सकता था, लिहाजा उन्हें चश्मा पहना देता। अब किसी को चश्मा खरीदना है और उसे अगर वही चश्मा पसंद आ गया जो नेताजी सुभाष बोस की मूर्ति पर लगा है तो वह उस चश्मे को निकालकर बेच देता, उसकी जगह उसके पास जो दूसरा चश्मा होता उसे लगा देता। इसलिए नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा कभी गोल होता, कभी चौकोर होता, कभी लाल होता, कभी पीला होता। एक बार इसी तरह से दौरे पर जाते हुए हालदार साहब ने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है।
उन्हें यह बात बड़ी अजीब सी लगी। उन्होंने पान वाले से पान खाते हुए फिर अपने मन के अंदर उमड़ते घुमड़ते इस प्रश्न को प्रस्तुत किया कि भाई क्या बात है, नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। उसने दुखी होते हुए नम आंखों से बताया, जो कि उसकी फितरत नहीं थी, हमेशा लोगों की खिल्ली उड़ाता था, पर इस बार वह उदास हो गया। उसने कहा, साहब क्या बताएं, वह कैप्टन चश्मे वाला फौजी मर गया। उसकी मृत्यु हो जाने से अब नेताजी की आंखों पर जो चश्मा लगाने का काम वह करता था, अब कोई दूसरा तो करता नहीं, इसलिए उनकी आंखों पर कोई भी चश्मा नहीं है। इस सूचना ने हालदार साहब को भी दुखी कर दिया, क्योंकि एक तो ऐसा साधारण गरीब निर्धन आदमी जो देशभक्ति के का जज्बा रखता था, देश के लिए कुर्बान होने वाले सुभाष बाबू के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति भावना थी, आदर भावना थी, उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरा ये कि अब कस्बे में कोई भी नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा पर चश्मा लगाने की फिक्र करने वाला कोई बचा नहीं था। उन्होंने सोचा कि अब इस गांव, इस कस्बे से होकर के आने जाने का रास्ता ही वो बदल देंगे, यहां से नहीं आएंगे जाएंगे, क्योंकि उनका मन खिन्न हो गया, दुखी हो गए, उदास हो गए कि हमारी इस पीढ़ी में स्वाधीनता के लिए कुर्बानी देने वालों के प्रति कोई आदर सम्मान नहीं रह गया है। पर एक बार बहुत दिनों के अंतराल से जब वो उसी कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर फिर से एक चश्मा लगा हुआ है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसी पान वाले के पास गए, उसी से उन्होंने पूछा कि भाई कैप्टन चश्मे वाला तो मर गया, फिर नेताजी की प्रतिमा पर यह चश्मा लगाने वाला कौन है। तब पता चला, पान वाले ने बताया कि इसे यहां के लड़कों ने चश्मा बनवाकर नेताजी की मूर्ति पर लगवा दिया है। इस तरह हालदार साहब को बहुत खुशी हुई कि किसी में तो ये जिम्मेदारी का भाव आया है और पूरी तरह से स्वाधीनता के जो सेनानी हैं, कुर्बानी देने वाले लोग हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव नहीं है और नई उम्र के बच्चे इस जिम्मेदारी को समझते हैं और उन्होंने उनकी मूर्ति पर चश्मा लगा दिया। यह कहानी हमें यही बात बताती है कि हमारी पीढ़ी को अपने आज़ादी के लिए काम करने वाले, कुर्बानी देने वाले लोगों के प्रति आदर भाव और जिम्मेदारी का भाव बनाए रखना चाहिए, वह किसी तरह से हमसे उसकी दूरी ना होने पाए। तो यह था नेताजी का चश्मा कहानी का सारांश, जिसके लेखक हैं नए कहानीकार, हमारे समय के कहानीकार स्वयं प्रकाश। अगली बार हम आपको इसी कहानी के प्रश्नोत्तर बताएंगे। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।